फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल लक्ष्मीपुर एंटरटेनमेंट ब्लॉग। दोस्तों, आज संडे का दिन है और संडे के दिन में कुछ खास रेसिपी बननी चाहिए, तो सोचा हूँ कि आज चिकन बिरयानी बनाने का मूड है। मूड बहुत दिन से था, लेकिन घर में गोतिया लोग डेट कर गए थे, इसके कारण बहुत दिन से सोच के रखा था, तो वो दिन आज आ गई है मेरे लिए, जो मैं आज बनाऊँगा चिकन बिरयानी। तो आइए, बने रहिए हमारे साथ और चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मस्त टेस्टी चिकन बिरयानी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ चिकन आ गया है। प्याज, टमाटर, मिर्ची, तेज पत्ता, नींबू, लहसुन छिला जा रहा है, अदरक भी है। आज हम लोग सोच रहे हैं चिकन बिरयानी बनाया जाए, एक बार चिकन बिरयानी भी ट्राई करना चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं हम लोग के साथ बने रहिए। अभी लहसुन छील लेते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट बना लेंगे, प्याज छील के प्याज को भी फ्राई करना है, और इधर चिकन को मैरिनेट करेंगे, मतलब कि मसाला के साथ में थोड़ा देर भिगोएंगे। तो इसके लिए पहले चिकन को धो लेते हैं। तो इसमें जा रहा है टमाटर का पेस्ट और गोटा हरा मिर्च दे दिए हैं, आप लहसुन अदरक जाएगा पेस्ट, ये गया अदरक और लहसुन का पेस्ट। एक चिकन का सेंट लेके एलिन भी आ गई है यहाँ, देखिए बेसब्री से इंतजार कर रही है। और ये गया पुदीना डाल दिए दही, गया नमक, लाल मिर्च, ये हुआ लाल मिर्च, ये हुआ जीर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, इससे रंग आ जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा देर के लिए इसको मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे, तब तक दूसरी तैयारी करते हैं। देखिए, इसको पूरा मिक्स कर दिए हैं, अब रख देंगे ढक के थोड़ा देर के लिए। ये अब चावल ले लिए हैं, इसको अच्छे से धो के फिर
थोड़ा सा पुदीना का पत्ता, हल्का सा नींबू का रस, थोड़ा सा बिरयानी मसाला ऊपर से, और दूसरा लेयर जा रहा है चावल का। अब ये दूसरा लेयर में भी फिर से प्याज, पुदीना का पत्ता, बिरयानी मसाला, नींबू रस देंगे। अब ये गया थोड़ा सा कलर, और ऊपर से देते हैं देसी घी। अब इसको डाल दिए हैं, आप सोच रहे होंगे ये क्या लगा हुआ है मोटा मोटा, कहीं स्टीम लीक ना हो, स्टीम लीक हो जाएगा तो चावल मुर्गा नहीं पकेगा, उसके लिए इसको चारों तरफ से सील कर दिए हैं और ढक्कन में छोटा सा छेद था उसको भी बंद कर दिए हैं। अब अंदर का स्टीम अंदर ही यूज होगा और पूरा खाना को पकाएगा। इसको तावे पर दे दिए हैं ताकि धीरे धीरे पके, लेकिन अब लगता है ये तैयार हो गया है, तो गैस को ऑफ कर देते हैं। चावल भी पूरा ऊपर उठ के आ गया है, तावा पर दे देते ताकि डायरेक्ट हीट इस पर नहीं करें और नीचे का पोर्शन नहीं जले। थोड़ा देर वेट करते हैं फिर खोल के देखते हैं। ये ढक्कन खुल गया है, आप देखते हैं आगे बिरयानी के इंतजाम में। देखिए कैसे शांत हो गई और देख रही है सब कुछ। दोस्तों ये बना हम लोग का चिकन बिरयानी, और देखिए दोस्तों चिकन कितना मस्त सीज गया है, देखिए बहुत टेस्टी स्वादिष्ट। अब इंदिरा जी चेक करके बताएगी कैसा लग रहा है ना। टेस्टी चा? ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। टेस्टी बिरयानी बना, एक बार कोलकाता में खाई थी वही टेस्ट। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।